हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग और आज के लेक्चर में हम स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट वैल्यू एंड का बारे में बात करने वाले हैं तो इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज है उनके बारे में बात कर लेते हैं जो कि इस दोनों टॉपिक से रिलेटेड है तो सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथीसिस की हाइपोथीसिस क्या होती है तो जब भी हम रिसर्च के टर्म में बात कर रहे हो रिसर्च के टर्म में बात करो रहा जहाँ पे आपको कोई नई चीज खोजनी हो कोई नया एक्सपेरिमेंट करना हो तो उसके रिसर्च से पहले एक प्रिडिक्शन करते हैं जो कि टेस्टेबल होता है तो हाइपोथीसिस में सेम क्या होती है कि डिस्क्राइब्स इन कॉन्क्रीट टर्म्स व्हाट यू एक्सपेक्ट विल हैपन इन अ सर्टन सर्कमस्टांसेस आप पहले जो है प्रिडिक्ट कर लेते हो कि सर्टन सर्कमस्टांसेस में क्या हैपन हो सकता है क्या हो सकता है उसको आप पहले ही एक्सपेक्ट कर लेते हो तो इसी चीज को जो है हाइपोथीसिस कहते हैं हाइपोथीसिस जो होता है ये दो टाइप का होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथीसिस और नल हाइपोथीसिस जिसमें ऑल्टरनेटिव हाइपोथीसिस क्या बताता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में जहाँ पे कोई रिलेशनशिप हो रिलेशनशिप का प्रोडिक्शन हो रहा हो दो वेरिएबल्स के बीच में वो ऑल्टरनेटिव हाइपोथीसिस होता हो और नल का मतलब नो no, जहाँ पे ये सब हर चीज को इक्वल मानता है किसी चीज में कोई डिफरेंस नहीं करता है उसे नल हाइपोथेसिस कहते हैं तो ये क्या कहता है प्रिडिक्ट देर नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है अगर इसको एग्जाम्पल की हेल्प से देखें तो को हाइपोथी हमने एच से डिनोट कर रखा है तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देख रहा हूंगी बायो फर्टिलाइजर है एक्स नाम का है जिसका और यहाँ पे ट्री है तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथीसिस क्या होता है हमारा कि एप्लीकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर एक्स इंक्रीजेस प्लांट ग्रोथ यहाँ ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है फर्टिलाइजर

इसका कहना है कि फर्टिलाइजर प्लांट ग्रोथ में कोई हेल्प नहीं कर रहा है तो ये नल हाइपोथीसिस हो गया जहाँ पे दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं प्रेडिक्ट किया जाता है अच्छा और जब रिसर्च के केस में हम नल हाइपोथीसिस की बात करते हैं तो वहां पे एरर के चांसेस होते हैं। नल हाइपोथीसिस केस में दो तरह के एरर आते हैं टाइप वन एंड टाइप टू एरर और ये एरर कब आते हैं जब भी आप जैसे हमने रिसर्च करनी है हमने एक हाइपोथेसिस बिल्ड कर ली और के केस में हमने दो तरह के हाइपोथेसिस बिल्ड की एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस और एक नल तो नल हाइपोथीसिस को जो है स्टडी में से या तो रिजेक्ट करते हैं या कंसिडर करते हैं तो अगर कभी आपने जो नल हाइपोथीसिस प्रिडिक्ट की है वो ट्रू है जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में बात की कि बायो फर्टिलाइजर जो है प्लांट की ग्रोथ में हेल्प नहीं करा अगर ये बात ट्रू है और उसके बावजूद आपने इसको रिजेक्ट कर दिया तो यहाँ पे जो है टाइप वन एरर आता है और इसी को ऑपोजिट अगर आपने जो आपका जो नल हाइपोथीसिस है वो फॉल्स है जैसे कि हमने अभी बात की थी बायो फर्टिलाइजर और प्लांट ग्रोथ के बीच में रिलेशनशिप नहीं है ये जो आपने प्रिडिक्ट किया है दोनों वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप ये अगर फॉल्स है गलत है और उसके बावजूद जो है आपने नल हाइपोथीसिस को रिजेक्ट नहीं किया है तो ये जो है टाइप टू एरर हो जाएगा ठीक है तो ये दो तरह के एरर होते हैं जो नल हाइपोथीसिस में आते हैं तो इसके बाद ये जो हाइपोथीसिस हमने प्रिडिक्ट कर लिया है नल हाइपोथीसिस बना लिया उसके अंदर और ऑल्टरनेटिव हाइपोथीसिस दे दिया अब बारी आती है कि इस हाइपोथीसिस को टेस्ट किया जाए आपने जो प्रिडिक्ट कितना सही है कितना गलत है क्या है नहीं है इसको टेस्ट करने की बारी आती है तो इसको टेस्ट करने के लिए जो है कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है तो पहला तो यही स्टेप है कि आपको नल हाइपोथीसिस और एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना है स्टेटमेंट देनी है नल हाइपोथीसिस के लिए और ऑल्टरनेटिव हाइपोथीसिस के लिए ठीक है उसके बाद आपको सेट करना है द क्राइटेरिया फॉर द डिसीजन दैट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अभी हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है इन सारे टर्म्स के बारे में बात करेंगे अभी बस हम स्टेप्स कितने हैं क्या है इसको डिस्क्राइब करते हैं उसके बाद आपने जब क्राइटेरिया डिसीजन ले लिया तो डेटा कलेक्शन करना है आपको हाइपोथीसिस टेस्ट करना है कोई रिसर्च करनी है आपको उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना होगा जिसके लिए आपको सैंपल डेटा चाहिए होगा तो उस डेटा को कलेक्ट करना है अब डेटा को कलेक्ट कर लिया आपने फील्ड से आपने डेटा कोई कलेक्ट किया कोई भी क्वेश्चन आर प्रिपेयर किया लोगों से बात की किसी पॉपुलेशन से जो है अपने एक फाइनल टेबल तैयार किया जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक उसके ऊपर जो है फिर आपको टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं स्टैटिस्टिक्स में जैसे टी टेस्ट जेड टेस्ट का ये सारे टेस्ट जैसा भी आपका सैंपल है उसके बेसिस पे जो है जो भी टेस्ट उसके लिए सुटेबल होगा वो टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे उसके बाद जो है टेस्ट से हमें एक वैल्यू मिल जाएगी जिसको हम टेस्ट वैल्यू या स्टैटिस्टिक्स वैल्यू बोलते हैं ठीक है उसके बाद इससे अलग भी हटके एक क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते हैं ये क्रिटिकल वैल्यू क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी आगे हर एक स्टेप्स को जो है हम अभी इंडिविजुअली डिस्क्राइब करेंगे क्या है इन सब का मतलब क्रिटिकल तो वैल्यू को फाइंड करना है उसके बाद ये जो क्रिटिकल वैल्यू आती है इस क्रिटिकल वैल्यू को हमने जो टेस्ट परफॉर्म किया अपने सैंपल्स पे इन दोनों वैल्यू के बीच में जो है कंपैरिजन करना है फिर और इसी कंपैरिजन के बाद जो है हम डिसीजन लेंगे कि जो नल हाइपोथीसिस है हमारा उसे रिजेक्ट करना है या रिजेक्ट नहीं करना है ठीक है तो ये सारे स्टेप्स जो है हाइपोथीसिस टेस्टिंग में फॉलो किए जाते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप था वो था स्टेट द नल हाइपोथीसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथीसिस तो इसके बारे में अब तो हमने बात कर ली नल हाइपोथीसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथीसिस क्या होते हैं ये हमने प्रिडिक्ट कर लिया है ठीक है इसके बाद अगला जो है टर्म वो है सेट द क्राइटेरिया फॉर द डिसीजन दैट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो एक क्राइटेरिया सेट करना है इसका क्या मतलब है कि इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथीसिस व्हेन इट इज ट्रू आल्सो कॉल्ड एज टाइप वन एरर अभी टाइप वन एरर हमने पढ़ा था टाइप वन एरर क्या था कि जब आपका नल हाइपोथीसिस जो है वो ट्रू है उसके बावजूद आपने इसको रिजेक्ट कर दिया है तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में यही होता है कि यहाँ पे जो हम एक प्रोबेबिलिटी देते हैं कि नल हाइपोथीसिस अगर ट्रू है उसके बावजूद इसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है तो उसी के लिए एक वैल्यू देते हैं जैसे फाइव परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि आपने नल हाइपोथेसिस को ट्रू बोल दिया है जैसे 5% परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि नल हाइपोथी ट्रू है और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया तो ये यहाँ पे जो है रिस्क लेते हैं हम लोग और इसी प्रोबेबिलिटी वैल्यू को जो हम लोग डिसीजन लेने के लिए क्रिएट करते हैं यही जो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है और इट इज सेट प्रायर टू कंडक्टिंग द हाइपोथीसिस टेस्टिंग ये जो है हाइपोथीसिस टेस्टिंग करने के लिए पहले से ही कंडक्ट करके रखा जाता है की आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा तो मोस्ट ऑफ द केसेज में जो बाई डिफॉल्ट इसका वैल्यू होता है इट कैन बी सेट एस फाइव परसेंट और लोअर अब जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है वो फाइव परसेंट आप सेट कर सकते हैं, या फिर उससे वैल्यू कम एक परसेंट दो परसेंट ऐसे वैल्यू सेट कर सकते हो जैसे कि अगर एग्जाम्पल से बात करें तो सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ फाइव परसेंट जो है इंडिकेट करता है कि फाइव परसेंट रिस्क ऑफ कंक्लूडिंग दैट अ डिफरेंस एग्जिस्ट वेर देअर इज नो एक्चुअल डिफरेंस मतलब यही है कि हमने जो भी हाइपोथीजिस टेस्टिंग करनी है उसके लिए जो सिग्निफिकेंस लेवल फाइव परसेंट लिया है वो इंडिकेट करता है कि आप उस 5% परसेंट ड्रिस्क को कंक्लूड करके चल रहे हो दैट अ डिफरेंस एग्जिस्ट करता है या फिर कोई नो एक्चुअल डिफरेंस अगर वहां पे कोई एक्चुअल डिफरेंस नहीं है उसके बावजूद डिफरेंस एग्जिस्ट करता है इस रिस्क को जो है आप कंक्लूड करके चलते हो जैसे की कि ग्राफ के थ्रू अगर हम समझे तो ये जो है बेल शेप हमारा कर्व है और ये जो साइड्स होते हैं ये रिजेक्शन एरिया होता है यहाँ पे ये जो होती है ये हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है तो इसी वैल्यू के जो है इधर अगर ये वाला साइड जो है इसके इधर वैल्यूज आई अगर आपके टेस्ट की तो नल हाइपोथिस रिजेक्ट हो जाएगा आगे हम इसके बारे में बात करते हैं तो अगर आपने लोअर सिग्निफिकेंस लेवल ले रखा है तो वो क्या इंडिकेट करता है दैट अ स्ट्रांगर एविडेंस इज रिक्वायर्ड बिफोर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथिसिस अगर आपने लोअर सिग्निफिकेंस ले रखा है जैसे यहाँ तो हमने फाइव ले रखा है आपने अगर और कम रख ले रखा है वन ले रखा है उस केस में आपको जो है और स्ट्रांगर एविडेंस प्रोवाइड करना होगा नल हाइपोथीसिस अगर आपको रिजेक्ट करना है उस केस में आपको और भी ज्यादा स्ट्रांगर एविडेंस प्रोवाइड कराने होंगे तो ये तो था हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट कर लिया ये जो है अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम फाइव परसेंट या जीरो पॉइंट जीरो फाइव जो है बाई डिफॉल्ट इसको ले लेते हैं इसके बाद अगला जो स्टेप है हमारा सैंपल सेलेक्ट करना सैंपल सेलेक्ट करने के लिए कोई भी पॉपुलेशन है उससे आपने सैंपल सेलेक्ट कर लिए है जो भी आपकी वैल्यूज हैं वो सब आपने फील्ड से या जहाँ से भी कलेक्ट करना है वहां से कलेक्ट कर लिया है अब वो सारी वैल्यूज जो आपके पास आ गई है एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में एक टेबल फॉर्मेट में आ गई है आपके पास सारी वैल्यूज तो अब इसके बाद जैसे कि आपको कंपैरिजन करना है सैलरी और जेंडर पे जैसे सैलरी है और जेंडर है कहीं किसी स्टडी में ऐसा कहा गया है कि जो है मेल पॉपुलेशन की सैलरी ज्यादा होती है फीमेल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में तो इसी स्टेटमेंट को आपको प्रूफ करने के लिए सर्वे करना है तो आपने बहुत सारे रैंडम मेल फीमेल से जो है पूछा कि उनकी सैलरी कितनी है और उनके जेंडर क्या क्या है तो ऐसे करके एक आपके पास डेटा आ गया अब ये आपके पास डेटा आ गया अब आपको जो है डिसाइड करना है कि कौन सा टेस्ट उस परफॉर्म करना है जैसे आज वाले जो लेक्चर है इसमें हम काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं तो ऐसे और भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं जिनका यूज किया जाता है के के टेस्टिंग के लिए Z -test, T -test, टेस्ट Innova टेस्ट टेस्ट काई स्क्वायर इनोवा टेस्ट ऐसे सारे टेस्ट होते हैं तो जैसा भी आपका सैंपल हो और जो भी टेस्ट इसके लिए फिट बैठता हो उसके बेसिस पे जो है आप फॉर्मूला होगा आपके पास और ये जो आपके सैंपल डेटा इसमें वैल्यूज होगी फॉर्मूले में पुट करेंगे आप और आपको जो है एक वैल्यू मिल जाएगी फाइनल टेस्ट वैल्यू जिसको बोलते हैं आपके पास कुछ वैल्यू आ गई ठीक है अब उसके बाद क्या करते हैं अगला स्टेप जो होता है फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है क्रिटिकल वैल्यू होती है कट ऑफ वैल्यू कट ऑफ वैल्यू जैसे एग्जाम में होती है कि जैसे थर्टी फाइव मार्क्स है थर्टी फाइव से आपको नीचे आए तो फेल हो गया थर्टी फाइव से ऊपर आ गया तो पास हो गया तो ऐसे क्रिटिकल वैल्यू जो होती है कट ऑफ वैल्यू होती है विच इज टू बी कम्पेयर विद द टेस्ट वैल्यू अब आपने जो यहाँ पे टेस्ट परफॉर्म किया इससे कुछ वैल्यू आई आपके पास ठीक है इस वैल्यू को जो है आपको चेक करना होता है कंपेयर करना होता है आपकी क्रिटिकल वैल्यू के साथ में उसके बाद ही आप डिसीजन लेते हो कि नल हाइपोथीसिस के साथ क्या करना है तो क्रिटिकल वैल्यू क्या करता है आपके पास ये जो ग्राफ है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है एक तो रिजेक्शन एरिया और दूसरा जो है एक्सेप्टेंस एरिया दो पार्ट में बांट देता है ये क्रिटिकल वैल्यू और इसमें क्या होगा कि अगर आपकी जो टेस्ट वैल्यू है ये जो टेस्ट वैल्यू आई है कैलकुलेशन के बाद अगर ये टेस्ट वैल्यू जो इस रिजेक्शन एरिया में फॉल करती है तो नल हाइपोथीजिस क्या होगा रिजेक्ट हो जाएगा तो इसके लिए जो है क्रिटिकल वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी क्रिटिकल वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको तो स्टैटिस्टिक्स में जो है टेब... टेबल्स प्रोवाइडेड होते हैं और उन टेबल्स में जो है आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है और आपकी टेस्ट वैल्यू क्या है उसके बेसिस पे जो है क्रिटिकल वैल्यूज प्रोवाइडेड होते हैं तो जो बाय डिफॉल्ट चल रहा है फाइव परसेंट सिग्निफिकेंस लेवल के लिए हमारा वन पॉइंट नाइन सिक्स क्रिटिकल वैल्यू होता है ठीक है तो ये वन पॉइंट नाइन सिक्स जो है क्रिटिकल वैल्यू है एग्जाम में आपको मे बी टेबल्स ना दिए जाए ये जो बाई डिफॉल्ट वैल्यू होती है फाइव के लिए वो याद रखना है आपको उसी का यूज करना है फिर तो आपको क्रिटिकल वैल्यू मिल गई है 1.96 1.96 के अब में सारा जो एरिया है ये रिजेक्शन है और बिलो जो है ये एक्सेप्टेंस एरिया में आता है तो इसके बाद आपका क्या काम बचता है कि क्रिटिकल वैल्यू और टेस्ट वैल्यू को जो है कंपेयर करना है वो ग्रेटर देन है क्रिटिकल वैल्यू से क्रिटिकल वैल्यू से ग्रेटर देन है तो इस केस में जो है आपका नल हाइपोथीसिस जो है रिजेक्ट हो जाएगा ठीक है जैसे यहाँ हमारा ग्राफ है क्रिटिकल वैल्यू जो है हमारी 1.96 है और आपकी जो टेस्ट वैल्यू है वो 2 आ गई 2 आ गई और 2 के केस में जैसे यहाँ जीरो से अगर शुरू होता है जीरो वन टू थ्री फोर तो यहाँ वन पॉइंट नाइन सिक्स है अपनी क्रिटिकल वैल्यू और उसके बाद में अपनी वैल्यू जो टेस्ट वैल्यू वो टू उसके बाद में आई आ गया ये रिजेक्शन एरिया में है तो मतलब जो टेस्ट वैल्यू है वो ग्रेटर है हमारी क्रिटिकल वैल्यू से तो इस केस में जो है नल हाइपोथीसिस रिजेक्ट हो जाएगा और इसी के ऑपोजिट हमारा टेस्ट वैल्यू जो है अगर लेस देन है क्रिटिकल वैल्यू के तो हम नल हाइपोथीसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे ठीक है तो ये स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा अब उसके बाद जो है तो पी वैल्यू क्या होती है बेसिकली कि, कि अगर नल हाइपोथीसिस ट्रू है उस केस में जो हमारा टेस्ट स्टैटिक का वैल्यू है उसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है उसी को जो है पी वैल्यू बोलते हैं तो पी वैल्यू जो है जितना ही कम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा कि नल हाइपोथीसिस जो है फॉल्स है और पी वैल्यू एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू है तो इसकी वैल्यू जो है जीरो टू वन के बीच में लाई करती है और पी की वैल्यू हाई जो हो वो इंडिकेट करती है कि ऑब्जर्व रिजल्ट जो है वो बाय चांस अकर हुए हैं अंडर द नल हाइपोथीसिस और इसीलिए जहाँ पे बी वैल्यू हाई हो वहाँ पे नल हाइपोथीसिस जो है वुड नॉट बी रिजेक्टेड और उसी के ऑपोजिट लो पी वैल्यू जो इंडिकेट करती है कि रिजल्ट्स आर लेस लाइकली टू अकर बाय चांस अंडर द नल हाइपोथीसिस एंड हेंस इन दिस केस नल हाइपोथीसिस वुड बी रिजेक्टेड जहा लो पी वैल्यू होगी वहां जो है नल हाइपोथीसिस रिजेक्ट हो जाएगी तो पी वैल्यू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में अगर कंपैरिजन करें तो अगर पी वैल्यू जो है लेस देन है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हमारी 0.055 परसेंट हमने सेट कर रखी है तो उस केस में जो है नल हाइपोथीसिस को रिजेक्ट कर देंगे अगर पी वैल्यू जो है हमारी लेस देन है सॉरी पी वैल्यू जो है लेस देन है जीरो के तो नल हाइपोथीसिस रिजेक्ट हो जाएगा और पी वैल्यू अगर हाई है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से तो नल हाइपोथीसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे और इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है पी वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू और टेस्ट स्टैटिक वैल्यू तो पी वैल्यू को यूज करने का ये बेनिफिट है कि एक प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट कैलकुलेट करता है जो कि किसी भी डिजायर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेस्ट किया जा सकता है डायरेक्टली जो है प्रोबेबिलिटी को कंपेयर करके सिग्निफिकेंस लेवल के साथ में जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए बात करें तो जो जेड वैल्यू है ये टेस्ट की वैल्यू है जेड टेस्ट से आई वैल्यू है ये 1.98 आती है जो कि ग्रेटर देन है क्रिटिकल वैल्यू के 5 परसेंट पे जो क्रिटिकल वैल्यू है 1.96, इससे ग्रेटर है और इसी चीज के लिए जो है आप अगर इसी टेस्ट को आप किसी और सिग्निफिकेंस लेवल पे चेक करना चाहते हो जैसे 1 परसेंट पे चेक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक नई वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी आपको फिर से जो है टेबल में जाके वापस से सिग्निफिकेंस लेवल के अकॉर्डिंग जो एक नई क्रिटिकल वैल्यू सेलेक्ट करनी होगी टेस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग तो इसीलिए जो है जहाँ पे ऐसे आपको चेंजेस न करने पड़े सिग्निफिकेंट लेवल में बार बार उसके लिए जो है पी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जहाँ पे कोई भी क्रिटिकल वैल्यू जो है कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली जो है आप पी वैल्यू को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है हमारा फाइव परसेंट या वन परसेंट इसके साथ में कंपेयर करके चेक कर सकते हैं और पी वैल्यू को जो है हम फाइंड कर सकते हैं की टेबल्स होती हैं उनमें फाइंड कर सकते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है आपका उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करके तो ये तो सारे टर्मिनोलॉजीज हो गया इसके बाद जो है हम बात करते हैं हाइपोथीसिस के जो टेस्ट होते हैं डिफरेंट टाइप्स के उनके बारे में तो हाइपोथीसिस जो होता है हमने दो टाइप का होता है नल हाइपोथीसिस और अल्टरनेट जो नल हाइपोथीसिस होता है इसकी टेस्टिंग के लिए कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट बनाए गए हैं जो कि दो चीजों पे बेस्ड होते हैं एक तो मेट्रिक टेस्ट और दूसरा नॉन पैराट्रिक टेस्ट तो आज के लेक्चर में जो हम काई स्क्वायर टेस्ट जो कि एक नॉन टेस्ट है इसके बारे में बात करेंगे तो यहां पे जो एक टेबल है है जिसमें और नॉन टेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस उसके बारे में बताया हुआ है जैसे कि कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे अजम्पन है जो कि पैरामेट्रिक टेस्ट में होते हैं और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में नहीं होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू जो है मीन वैल्यू होती है पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए और नॉन पैरामेट्रिक के लिए मीडियन वैल्यू कोरिलेशन जो होता है पैरा के लिए पियर्सन होता है और नॉन पैरामेट्रिक के लिए स्पेरमैन ऐसे ही और भी प्रॉपर्टीज के लिए जो यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक के बीच में हम अपने काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में बात करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट जो ये है ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है हाइपोथी टेस्टिंग का पर कुछ केसेस में जो है इसको पैरा टेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है और लास्ट ईयर जो गेट में जो क्वेश्चन आया था वो इस पैरा टेस्ट के ऊपर आया था जिसको काई स्क्वायर से कैलकुलेट करना था तो नॉन पैरा टेस्ट के लिए काई स्क्वायर जो है दो चीजों के टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट और टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए दो वेरिएबल्स के बीच में गुडनेस ऑफ फिट कितना है या फिर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए किया जाता है तो कई स्क्वायर टेस्ट में जो होता है आपके पास एक ऑब्जर्ड फ्रीक्वेंसी होती है और एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है एक्सपेक्टेड क्या होती है जब तक आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया कुछ पहले से एक्सपेक्ट कर रखा है वो वैल्यू और ऑब्जर्व जब आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया उसके बाद जो आई वो वैल्यू इनके बीच में कंपैरिजन होता है काई स्क्वायर टेस्ट में और इनके बीच में जितना डिफरेंस होगा उतनी ग्रेटर काई स्क्वायर की वैल्यू हो गई और अगर नहीं होगा दोनों के बीच में डिफरेंस तो काई स्क्वायर की वैल्यू जीरो होगी और जहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करते हैं वहां पे ये जो फॉर्मूला अपना एक्स स्क्वायर जो काई स्क्वायर को डिनोट करता है सी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मुले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर एग्जाम में आता है तो आपको एक ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी रहेगी और उसी की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू value, वो वैल्यूज यहाँ पुट करके और कैलकुलेट कर लेंगे अगर मल्टीपल एट्रीब्यूट है जैसे दो तीन ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है तो सबका सम सेम फॉर्मुले में जो है हर एक वैल्यू के लिए उसके ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज पुट करेंगे और सबका सम जो है उससे आपकी काई स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी ठीक है और इसके बाद जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था गेट के एग्जाम में वो आया था पैरा टेस्ट से जो कि अभी जिस फॉर्मूले की मैंने बात की उससे नहीं कैलकुलेट होगा पैरा मेट्रिक टेस्ट जहाँ पे सैंपल वेरिएंस जैसे कि इस क्वेश्चन में बात किया सैंपल वेरिएंस और पॉपुलेशन वेरिएंस की जहाँ बात की जा रही हो वो पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर में आता है तो लास्ट जो क्वेश्चन था वो था की पॉपुलेशन वेरियंस जो है हो और सैंपल वेरियंस जो फिफ्टीन पॉइंट फोर हो और नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो टेन हो तो फिर काई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी तो इसका जो फॉर्मूला होता है काई स्क्वायर का ये एन माइनस वन इंटू जो है आपकी ये सैंपल वेरियंस और डिवाइडेड बाई जो है पॉपुलेशन वेरियंस तो एन माइनस वन क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका फॉर्मूला होता है n माइनस वन तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हमारा 10 है तो n की वैल्यू क्या होगी 11 आ जाएगी अपनी तो यहाँ पे या तो n माइनस वन आप की जगह आप डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 11 माइनस वन जो कि 10 ऑलरेडी दिया हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम तो इसकी जगह सीधा सीधा आप टेन भी पुट कर सकते हो 15.4 जो आपकी सैंपल वेरिएंस की वैल्यू दी हुई है और 14.8 जो है पॉपुलेशन वेरिएंस की तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे टेन पॉइंट फोर जीरो फाइव ये जो था न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था एमसीक्यू नहीं था तो आपको वैल्यूज जो है फिल करनी थी वहाँ टू डेसिमल प्लेसेस तक तो लास्ट टाइम तो जो था ये इस फॉर्मूले से आया हुआ था क्वेश्चन मे बी इस टाइम जो है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं जिसके लिए ये फॉर्मूला है तो इससे रिलेटेड अगर आपको न्यूमेरिकल्स चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मैं इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स करा दूंगी तो आई होप की आप सबको इस लेक्चर से अच्छे से हाइपोथीसिस और उसके टाइप्स क्या होते हैं उससे रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा और काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में भी अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच